नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की जो भर्ती परीक्षा हो रही है 2018 वाली, इसमें भी देखिए सॉल्वर गैंग का काफ़ी खुलासा हुआ है। तो अब यूपी की कोई भी भर्तियां हैं जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं है कि जिसमें सेंधमारी ना हो रही हो, ये तो चलिए ठीक है, पकड़ में आ गए। लेकिन पता नहीं ऐसे कितने सॉल्वर गैंग और किस सेंटर पर होंगे। तो यहाँ पर एक भर्तियों का एक कह सकते हैं कि बिल्कुल से योग्य छात्रों के साथ ये बिल्कुल अन्याय सा हो रहा है कि पैसे दो और आप नौकरियाँ लो, इसका प्रचलन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। कब ये भर्तियां रुकेंगी? हालांकि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने ये कहा है कि जो भर्ती गैंग के जो भी पकड़े जाएंगे सॉल्वर, उनकी संपत्तियों को हम जब्त कर लेंगे। तो देखते हैं कब ऐसा कड़ा कानून आता है कि जब कोई भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो वो 100 बार सोचे कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा। तो चलिए मैं दोस्तों वो खबर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसटीएफ ने सॉल्वर गिरोह के 4 सरगना समेत 15 को दबोचा। सिविल कोर्ट स्टाफ भर्ती लखनऊ से 9, कानपुर से 3, वाराणसी से 2 व मेरठ से 1 गिरफ्तारी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती जो ग्रुप डी की आपकी बात कर सकते हैं, कल ग्रुप सी का भी एग्जाम था, आज भी पेपर होगा। तो परीक्षा के दौरान प्रदेश में सॉल्वर गिरोह के 15 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी एसटीएफ ने लखनऊ में 8, कानपुर में 3 को दबोचा, वहीं पुलिस ने वाराणसी से 2 और लखनऊ व मेरठ से 1-1 को दबोचा। इनमें से कई दूसरों के स्थान में परीक्षा भी दे रहे थे, तो कह सकते हैं जो मुन्ना भाई बैठते हैं दूसरे के पेपर एग्जाम पर बैठते हैं। और इनमें से 3 सरगना को लखनऊ से कानपुर से पकड़ा गया है, जिसमें इनके पास मोबाइल टैब समेत कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो एसटीएफ के एसएसपी अभिषेक ने बताया कि लखनऊ में बाल निरंकुज इंटर कॉलेज हो गया, मड़ियाओं में परीक्षार्थी विनीत कुमार और उसके स्थान परीक्षा दे रहे अवनीश को दबोचा गया है। तो दोस्तों, ये देखिए कुछ ऐसा ही भर्तियों का बिल्कुल कह सकते हैं एक तरीके से कोई भी भर्ती हो, यहाँ पर बिल्कुल मजाक सा बना दिया जाता है कि कहीं ना कहीं ये कैसे फर्जीवाड़ा करके कहीं ना कहीं सेटिंग होगा। हो सकता है कॉलेज के प्रबंधक से सेटिंग हो, क्योंकि दूसरे के एग्ज़ाम पर कैसे कोई बैठ सकता है? हम आप तो ऐसा कभी कोई कर ही नहीं सकता जब तक कि वहाँ के मैनेजमेंट से कोई सेटिंग ना हो, ऐसा कुछ ना हो। तो बहुत बड़ा मजाक यहाँ छात्रों के साथ बन के आ रहा है। तो देखते हैं माननीय योगी जी कब छात्रों के हितों के लिए इतना कड़ा कानून लागू करते हैं कि कोई भी पकड़ा जाए उसकी संपत्ति जब्त हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों, फिलहाल आप लोग एग्ज़ाम, आज भी आप लोग का एग्ज़ाम होगा, 21 है, तो एग्ज़ाम दीजिए। और ये सब देखिए कार्रवाइयाँ तो हो ही रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग भी ज़रूर कमेंट करिएगा कब ये स्थिति सुधरेगी, क्योंकि देखिए आप छात्रों के भविष्य के साथ ही ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप छात्रों को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अयोग्य छात्रों को नौकरी मिल जा रही है, सेटिंग करके वो नौकरी ले रहे हैं, और मेरिट इतनी हाई चली जा रही है कि अगर मान लीजिए कि 200 नंबर में फाइनल मेरिट में अगर आपका 195-196 जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि कैसे है कि इतनी हाई मेरिट कैसे जा रही है। तो फिलहाल दोस्तों, ये जो भी चीज़ें हैं, अच्छी बात यह है कि पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कितने पकड़े जा रहे हैं, कहाँ पकड़े जा रहे हैं, जो नज़र में आ गए वो तो अलग बात है। आप भी कमेंट करिएगा कैसे व्यवस्था है, सुधरे क्या, कैसे हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें। धन्यवाद।